सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर उठी रिया को अरेस्ट करने की मांग। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नेहा स्लैब समाचार से, और आपको बताऊंगी ये पूरी खबर। इस बार रिया को अरेस्ट करने की मांग की है उन्हीं के पड़ोसियों ने। रिया चक्रवर्ती के पड़ोसियों ने बयान दिया है और उन्हों का साफ कहना है कि रिया को गिरफ्तार किया जाए। रिया के पड़ोसियों ने तो ये तक कहा कि रिया के साथ साथ उनके भाई और मम्मी पापा को भी अरेस्ट करो, क्योंकि सुशांत को इन्हीं सभी लोगों ने मारा है। पड़ोसियों का ये तक कहना है कि रिया काला जादू सुशांत पर करवाती थी। यहाँ पर इन लोगों ने मर्डर किया है, इनकी पिता को और इनकी माँ को, रिया को और उनके भाई शोविक को अरेस्ट करो। रिया की पड़ोसी ने ये तक कहा कि इन लोगों को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये लोग गलत है, इन्हें अरेस्ट करो। उन्होंने ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे इन्हें क्यों बचा रहे हैं। इन सभी बातों का खुलासा खुद रिया के पड़ोसियों ने किया है। एक बात आपको बता दे, रिया चक्रवर्ती की परेशानियां आए दिन बढ़ती जा रही हैं। रिया की ड्रग्स चैट के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब एनसीबी ने भी रिया पर शिकंजा कस दिया है। और कल शाम को एनसीबी की टीम मुंबई पहुँच भी चुकी है, और जल्द ही रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एनसीबी ने रिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। रिया के पड़ोसियों ने कहा कि रिया और उनके परिवार के सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को उन्हीं लोगों ने मारा है और उस पर काला जादू भी करवाया था। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ।